हमारे लिंक से ही रूबरू होंगे और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा स्टूडियो में मौजूद है। शर्मा जी और बागेश साहब दोनों का ही स्वागत है। शर्मा जी पहले आपसे एक राय, ये जो दो बड़ी बैठक हुई एक फ्राइडे को ही, पांच बड़े फैसले अगर आप इन्हें बड़े मानते हैं, और दूसरी समीक्षा में वैसे कुछ निकला नहीं, लेकिन इस बात का आश्वासन मिला कि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को हम मेंटेन करेंगे और किसी तरह की दूसरे झांसे में नहीं आएंगे, स्पेशली इलेक्शन ईयर में, ये साफ राइटिंग ऑन द वॉल थी। अब इसको बाजार कैसे पढ़ेगा? क्या ये था कि खुदा पहाड़ निकली चूहिया वैसा मामला है, या फिर वाकई में आप आश्वस्त हैं जो कुछ होगा अच्छा होगा और उसका इंस्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, अगर आप पब्लिक के हो हवा को छोड़ दें और एक डिस्टेंस व्यू लेके अपन कूल एक डिसीजन लें, तो ये पाएंगे कि किसी भी प्रकार से फिजिकल डेफिसिट पे चिंताएं हैं ही नहीं, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ रेट जो हमने पकड़ा था बजटरी प्रोविजंस में वो पकड़ा था 7.4 जी, हमारी जीडीपी 8.2% आ चुकी है। इस क्वार्टर में शायद वो आधा टका नीचे आए, लेकिन बाकी जो दो क्वार्टर हैं कंसिडरिंग की इलेक्शन ईयर है, जीडीपी 8% के ऊपर आएगी। ठीक है, तो ऐसे माहौल के अंदर हमारा 8% का हम एवरेज लेके चल सकते हैं आगे, 7.97। अगर वो होता है तो अगर कीमतें क्रूड की $85 पे भी जाती हैं तो भी हम अपना फिजिकल डेफिसिट पूरा करते हैं 3.2%। और पिछली बार अगर हमने देखा एडिशनल एल्बोरूम क्या है कि पिछली बार हमारा ऑल द टारगेट 3.3 था, लेकिन हमारा जो 3.5 ही आया, तो 3.5 भी अगर आएगा तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम आश्वस्त हैं इस बारे में। चिंताएं जरूर होती हैं लोगों को, खासकर क्रूड को मूवमेंट करते देखते हुए, मैं आश्वस्त हूं कि हम अपना फिजिकल डेफिसिट बिना इसकी किसी तरह का पॉपुलिस्ट वो कदम उठाए पूरा कर पाएंगे। चलो साहब, आज सेंट्रल फेडरेशन रुपया है, मैं रुपये पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले संदीप जी की राय लेता हूं। संदीप, अभी जो भाजदौर में डिस्कशन कर रहे थे उसमें देखिए यही एक क्रिटिकल फैक्टर था, यही एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि स्टे लॉन्ग अबो 11,440-11,450, उसके नीचे शायद वीकनेस होगी। निफ्टी बैंक और निफ्टी में एक डिफरेंशियल बचा हुआ है, एक गैप बचा हुआ है। आप अब देखिए, इस बीच अलर्ट ये है कि हांगकांग का बाजार जो है वो 400 अंकों का गोता लगा चुका है। तो याद रखिएगा, जो मैंने आपको एक लेवल दिया था 11,440-11,450, ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, उसके ऊपर स्ट्रेंथ, नीचे वीकनेस। बागेश साहब, आपकी राय क्या रहेगी? अब शर्मा साहब, जो एक चीज मैं आपसे पूछता था, कि रुपए को लेकर जो पांच फैसले लिए गए, ये जो एक तो स्पेक्युलेटर्स इस पर जो हावी रहे हैं बीते चार पांच हफ्तों से, स्पेशली 7150 की ट्रेजेक्ट्री से लेकर 73 तक के जोन कॉस्ट ऑलमोस्ट मैच हुआ, अभी एक कहीं ना कहीं सिक्का और उन्होंने उछाल दिया है जो अब तक लैंड नहीं हुआ है, कि हम इम्पोर्ट्स को डिमोरलाइज करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, साथ ही साथ एनआरआई डिपॉजिट्स हो गए, एफसीएनआर हो गया, ये भी क्या आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा इस पर भी कोई सरकार निर्णय ले सकती है जो कि रुपए को सहारा देगा? आपको लगता है पॉसिबल है? मेरे ख्याल से ये जो ये एडिशनल कंफर्ट आपको दे सकता है अगर हम एनआरआई डिपॉजिट्स और फर्दर लेने की कोशिश करते हैं तो, और वो कोई गलत बात नहीं होगी। हर एक देश अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और आवश्यकता नहीं कि अगर आपके जो फॉरेन करेंसी के जो आपके पास रिजर्व है उसको प्रोटेक्ट कर आप पूरा ही खर्च कर डालें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। नया भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये देखते हुए कि हम चार साल बिल्कुल सुदृढ़ रहे थे, करेंसी का डिप्रिसिएशन अभी हुआ है, तो मेरे ख्याल से उसको फर्दर अगर कुछ 30-40 बिलियन डॉलर अगर और फर्दर आ सकते हैं उस दृष्टि से, तो कोई गलत बात नहीं होगी। पर ये समाचार आपको ऐसा नहीं लगेगा कि तैयारी हो रही है, अचानक आ जाएगा कि हो जाएगा। और अब रेट हाइक्स की अभी भी पॉसिबिलिटी है, वो एक एक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, अकायदे से हमारी तो जो खासकर जो ओमो जो होने वाला है उसकी वजह से इनका 10-1% का नीचे 10.10 नीचे आ सकता है यील्ड, तो वो फिर भी गैप छोड़ता है कि पिछले जो रिजर्व बैंक की जो मीटिंग थी और उसके अंदर जो बॉन्ड यील्ड अभी का जो डिफरेंस है वो अभी भी 4.4% जैसा है, तो 0.25 की जगह तो अभी भी है। तो उसको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, उसको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, तो वो भी एक सरप्राइज भी आ सकता है जी, है ना? वो आपको अगर आपका हाइक आता है तो वो भी आपको करेंसी में तो हेल्प करेगा जी, पूरी तरह जी।
तो इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं यहाँ पर अब और क्या क्या बड़े मेजर्स आएंगे उस पर आगे और डिटेल में बात करेंगे जरूर। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अब मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि इनके सारे लेवल्स फेल हो जाएं और आए ना, है ना, हमारे लिए वही राहत की सांस होगी। आज करीब 50 से 60 पैसे नीचे खुल सकता है ना, पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये जो स्टांस लिया वो बात अलग है, लेकिन डॉलर में भी थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिली और कच्चा तेल हमारे फेवर में है। तो शर्मा जी, कितना आपको लग रहा है उसका फायदा मिलेगा आज, ट्रेडर्स क्या फिर फ्रंट फुट पर रहेंगे? देखिए, अभी चिंताएं लोगों को करेंसी भी बनी हुई है, क्रूड अभी चिंता का विषय नहीं है। जो 2.5% बढ़ा था वो नीचे आ भी गया, अभी थोड़ा सा वापस बढ़ा है, लेकिन फ्यूचर्स वापस नीचे हैं। जो चिंता थी कि फ्लोरेंस के साथ साथ चार अन्य तूफान अटलांटिक में उभर रहे थे, तीन तो उभर चुके थे, चौथे के उभरने की संभावनाएं थी, आशंकाएं थी। अभी जो सबसे नुकसान देने वाला था आइजैक, जो कैरिबियन से पैदा हुआ था, लेकिन आइजैक अभी एक डिप्रेशन बन के रह गया है, वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ, वीकन हो गया, अभी उसका नाम भी नहीं रहा। तो ये क्रूड के लिए बड़ी अच्छी बात है। बाकी जो अन्य हेलन है या फिर जॉयस है वो अटलांटिक में है, वो यहां तक पहुंचेंगे भी नहीं शायद, तो वो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो क्रूड आगे चलते हुए ये देखते हुए कि ओपेक का जो प्रोडक्शन था अगस्त महीने का वो उस कमी को पूरा करता था, जितना अपेक्षा है कि क्रूड ईरान का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कम होगा उसको पूरा करता था, तो उस चिंता में मैं नहीं समझता कि मुझे कोई तेल के प्रति कोई चिंता है। करेंसी लोग क्योंकि ट्रेडर ज्यादा बेरिश हो गए हैं, इनको शायद जवाब मिल जाएगा थर्सडे फ्राइडे तक, वीकेंड तक, तो मैं ये समझता हूं कि जो पहले जो लो बनाया था करेंसी ने वो इंटैक्ट रहेगा, वहां तक गिर जरूर सकता है, लेकिन और मार्केट्स में 11,430 जो आपके एनालिस्ट ने बोला, 11,440 जो बोल रहे थे वीरेन, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है और वहां पे बाइंग का एटीट्यूड रखना चाहिए। तो हर डिप पे आप खरीदारी करना चाहिए? मैं डिप पे खरीदना चाहूंगा। अच्छा, ये बताइए फिर सेक्टोरली आपको कहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अभी तक वो एक बहुत स्ट्रांग ट्रेड बन रहा था कि आप फार्मा खरीदे, आईटी खरीदे, क्योंकि रुपये में काफी ज्यादा कमजोरी है। अब हम देख रहे हैं कि शायद रुपये की चाल थोड़ी सी रिवर्स होगी, इमीडिएटली नहीं लेकिन धीरे धीरे करके होगी। वहां से आप कुछ पैसा निकालना चाहेंगे या फिर होल्ड करना चाहेंगे, और जाएंगे तो कहां? जी, जब तक रुपये जो एक्सपेक्टेशन है जो वो हो नहीं जाए तब तक फार्मा और आईटी सेफ अभी भी सेक्टर है। ठीक है, तो जब हो जाएगा तो उसके बाद में बयान बदलेंगे। फिलहाल फार्मा और आईटी के अंदर अपनी जो अटेंशन है वो रखिए। अभी शर्मा साहब को सुनकर आज तक मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे वेदर रिपोर्ट देखनी भी शुरू करनी चाहिए, है ना, जितने भी यूएस की वेदर रिपोर्ट्स है ना, सब पूरी तरह से। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग वेदर रिपोर्ट यहाँ पर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी, वो आपने देखी होगी, बहुत ही बढ़िया चीजें अपडेट्स आ रही। तो और इन नामों का आप आदि हो जाए, हेलेन जॉयस और आइजैक। आइजैक ऑफकोर्स ठंडा पड़ गया, लेकिन वो तो सब तमाम तूफान है जिनको नाम दिया जाता है, आसान होता है उनसे रिलेट करना। लेकिन सोनम बनी हुई है, और सोनम इस सब के बीच एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट गोल्डमैन। विनोद जी, आपसे इजाजत लें उससे पहले बताइए, आज आपने कुछ खास ऐसे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए होंगे जो निवेशकों के लिए एकदम तैयार है? आपके सिस्टर जनरल के लिए किए हैं, डेरिवेटिव्स के लिए, यहाँ पर मैं फंडामेंटली बोलता हूँ। तो यूनाइटेड फास्फोरस जिससे हमारा फंडामेंटल पिक भी है, अगर गिरावट के अंदर गिरता है तो उसमें आप बाकायदा निवेश भी कर सकते हैं, और जो इन्होंने वाघेला साहब ने बताया भी है उसका स्टॉप लॉस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा एक स्टॉक मैं देखना चाहूंगा, बायोकॉन या डिविज लैब, ये दो स्टॉक अच्छे हैं, इनमें अगर गिरावट आए तो इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ऑब्वियसली अगर कराएंगे तो स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।